गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मेरी तबीयत लंबे टाइम से खराब चल रही थी तो इसलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम ब्रेड पिज्जा बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये टमाटो केचप लिया है, चीज़ लिया, ये मैंने मोजरेला चीज़ लिया, आप चाहे तो स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है, प्याज लिया है और शिमला मिर्च लिया है। इन तीनों को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। ये मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिया है, ओरिगेनो लिया है और मैंने यहाँ पर ये ब्रेड लिया है, ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम एक बाउल लेंगे और ये टमाटर, प्याज और ये शिमला मिर्च इस बाउल में डाल लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीज, थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ा सा डालेंगे ओरिगैनो। इनको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, एक बार आप बनाकर जरूर देखना। ये मैंने इस तरह से इसमें एक केचप लगा लिया है। अब हम जो वेजिटेबल्स कट कर रहे थे उसे इसमें इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। इसके ऊपर हम ये चीज डालेंगे इस तरीके से, इसके ऊपर डालेंगे ओरिगैनो, ये डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स। तो गाइस हम और बाकी ब्रेड में भी इसी तरह प्रोसेस करेंगे। तो गाइस मैंने बाकी इस तरीके से बना ली हैं। तो अब हम एक पैन लेंगे, गैस को ऑन करेंगे, पैन को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तो गाइस यहाँ पे पैन गर्म हो चुका है तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो बटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो गया है तो हम इसमें जो हमने पिज्जा बनाए हैं इस तरीके से हमने एक एक करके रख देंगे। तीन या चार मिनट तक हमने ऐसे ढक देंगे। गाइस चार पाँच मिनट हो गए हैं तो देखो हमारे ब्रेड पिज्जा बनकर एकदम रेडी है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, जिस समय हम इन्हें पकाएंगे हम गैस के फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। तो हम इन्हें इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो गाइस ब्रेड पिज्जा बनकर रेडी है। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।